तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे घर मछली बन रहा है। तो यहाँ पर मछली लेके आए ना, वापस छीटा बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मैं मछली में क्या करती हूँ कि आलू डाल के बनाती हूँ ना, तो इसीलिए तो यहाँ पर देखिए मैं पहले आलू को अच्छे से फ्राई करूँगी। तो मैं ना इसको तेल डाल के और इसको अच्छे से आलू को फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए तो इसको थोड़ा मीडियम कर देती हूँ और फिर मैं आलू को अच्छे से फ्राई करूँगी। तेल में इसको पूरा लाल लाल कर लेंगे। उसके बाद इसको लाल लाल करने के बाद यहाँ पर देखिए मछली तार के रख दिए हैं, मछली यानी मछली को फ्राई कर दिए हैं, आप देख सकती हैं। यहाँ पर चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर मसाला पीस के रखा हुआ है। यहाँ पर सारे मसाले हमें पीस के मेरी बहन पीस के ये सारी चीज़ें रख दी है। क्योंकि पता है क्या हुआ था, बताती हूँ क्या हुआ था। जो मेरी बहन है ना, वो अभी हम लेट से आए थे तो मेरी बहन सारी चीज़ों को रेडी वगैरह कर दी थी। कि अभी मेरा यहाँ पर मछली बना रही हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि मैं 9 बजे वहाँ से आई, 9 बजे अभी चेंज आ रही, 9 बजे आई वहाँ से मार्केट वाले घर से। 9 बजे आने के बाद मेरी बहन नहीं बनाने सकती है मछली, तो नहीं सकती ना बनाने को, इसीलिए मैं यहाँ पर मछली बना देंगे। और वो लोग यहाँ पर मेरे घर चावल बन गया है, यहाँ पर देखिए चावल बन गया है, यहाँ पर रोटी बन गया है, ये देखिए रोटी चावल सब कुछ बन गया है। बस फिश को बनाना बाकी था, क्योंकि फिश को नहीं आता है बनाने इसलिए, तो फिश यहाँ पर ले बना रही हूँ। और अभी बज गया है 9:30 और फिश जल्दी जल्दी बना के उसके बाद ये करेंगे। तब तक मैं फिश में मसाला डाल देती हूँ, मसाला डालना पड़ेगा नहीं तो मैं अपनी बहन को बुलाऊँगी मोबाइल पर करने के लिए, तो आएगी नहीं। तो देखिए पहले मसाला डाल दें फिश में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फिश में मसाला डाल, एक्चुअली यहाँ पर मसाला भाज रही हूँ। तो इस मसाला कहना पूरा अच्छे से भाजेंगे, कम से कम इसे 20 से 25 मिनट तक भाजूंगी। जितना मसाला को अच्छे से भाजते हैं ना, उतना अच्छा क्या होता है ना, फिश बनता है। तो इसीलिए मैं मसाला को पूरा अच्छे से भाजती हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जैसे ग्रेवी वाला चाहिए फिश तो ग्रेवी वाला ही, तो थोड़ा सा पानी डाल के और ग्रेवी को बॉईल करेंगे। उसके बाद मछली डाल के और गैस को ऑफ कर देते हैं, 1 मिनट पका के। तो यहाँ पर देखिए मेरा फिश अभी बन रहा है और अभी मैंने सारा मसाला डाल दी हूँ। अभी ये अच्छा से पूरा पकेगा, उसके बाद जाके फ्राई हो जाएगा।